की एक ही दवाई, जल्द से जल्द हो बिहार में इस डबल इंजन सरकार की विदाई। तो एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, लंबे अरसे के बाद बिहार आ रहे हैं, तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो लोगों को इंतजार है, बिहार के वासियों को, बिहार को सौगात दीजिए, जो बिहार पात्रता रखता है विशेष राज्य के दर्जे की, नहीं तो फिर बिहार की जनता भी तैयार बैठी है 2024 में बदला लेने के जवाब में। बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, आज तो 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं और उसको लेकर बिहार में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। बीजेपी का हाल तो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से वहां पर भीड़ लगी है। हालांकि आरजेडी में सन्नाटा पसरा हुआ है और आज हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़े हुए हैं जो कि उनके प्रवक्ता हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियाँ आप लोगों की तरफ से चल रही है? नहीं, हमारी ओर से क्या तैयारी, आदरणीय प्रधानमंत्री, बिहार की जनता को इंतजार है, आइए आपका इंतजार है। प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो चिर परिचित मांग है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की जनता 12 करोड़ जिन्होंने झोली भर करके सांसद दिए थे लोकसभा के चुनाव में, 39 सांसद, उनको तो उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार भी है, इतने सांसद दिए, इसके बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा? 19 लाख रोजगार का वादा था, उसका क्या हुआ? बाढ़ रहा, सुखाड़ रहा, इसका पैकेज, विशेष पैकेज की बात हुई थी, क्या हुआ? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका इंतजार है बिहार की जनता को। तो एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद, लंबे अरसे के बाद बिहार आ रहे हैं, तो बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। तो लोगों को इंतजार है, बिहार के वासियों को, कि बिहार को सौगात दीजिए, जो बिहार पात्रता रखता है विशेष राज्य के दर्जे की, नहीं तो फिर बिहार की जनता भी तैयार बैठी है 2024 में बदला लेने के लिए। बीजेपी तो कह रही है कि हमने रोजगार देने की बात कही थी, सरकारी नौकरी की बात थोड़ी ना कही थी, ई रिक्शा चलाने वाला भी तो एक रोजगार है, हम लोग देखिए इतना सारा ई रिक्शा दिए हैं। बीजेपी तो कहेगी ही ना, क्योंकि जब 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, तो बाद में माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने क्या कहा था, ये जुमला था, ये तो बीजेपी का चरित्र है। अभी अग्निपथ, अग्निवीर को लेकर बवाल खड़ा हुआ, तो कैलाश विजयवर्गीय जी बीजेपी के नेता ने क्या कहा, पोल ही खोल दी, ये अग्निवीर जब 4 वर्ष में ही रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त होकर के बीजेपी के कार्यालय में गार्ड का काम करेंगे, वो पकौड़े तलेंगे। श्री तेजस्वी यादव जी ने चुनाव में कहा था कि पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, इसी के जवाब में बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, आज तो 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला। बीजेपी कड़ी, इतने जनसंख्या है कि सरकारी नौकरी हम कहां से देंगे, रोजगार का वादा किए थे, रोजगार ने विभागों में पूरा रोड मैप तो तेजस्वी यादव जी ने दिया था बना करके, ये कुछ नहीं करेंगे, ये आपस में लड़ेंगे, रोज सत्ता की मलाई के लिए, बंटवारे के लिए देख रहे हैं कैसे लड़ाई हो रही है। इनसे सारे बीमारियों की एक ही दवाई, जल्द से जल्द हो बिहार में इस डबल इंजन सरकार की विदाई। तो अभी तेजस्वी जी भी मिलेंगे प्रधानमंत्री से, तो क्या इस तरह के ये सारे सवाल रखेंगे? ये तो प्रोटोकॉल है, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आदरणीय मुख्यमंत्री, नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष, तो ये सारे सवाल सदन सवाल देखिए, यो जो ओकेजन है, ये ओकेजन दूसरा है, ये शताब्दी समारोह है, वहाँ मुलाकात होगी, वहाँ पर समय निर्धारित है कौन कितने देर तक बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी का मिनट टू मिनट बना हुआ है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की USP रही है, ये यहाँ से लेकर, बिहार से लेकर, पटना से दिल्ली तक, ये विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं,
अब जेडीयू वाले भी कह रहे हैं तो जेडीयू वाले किस मुंह से कह रहे हैं, वो सत्ता में है। लेकिन आज इस तरह की मांग नहीं होगी, नहीं आज इस तरह की वहाँ मुलाकात होगी, अब वहाँ वो रहेंगे, वो अपनी बात रखेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या बात हुई और क्या इन्होंने मांग रखी। डिप्टी सीएम तारकिशोर जी को कोरोना हो गया है, अब वो नहीं पहुंच पाएंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम। नहीं, हम आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार के, वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, हम ईश्वर से कामना करते हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। और जब कोरोना संक्रमित हुए हैं तो स्वाभाविक है कि वो आज के समारोह में उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन जब कोरोना संक्रमण के चपेट में हैं तो वो फिर कैसे उपस्थित हो सकते हैं, ये तो सबको पता है। हमारी शुभकामना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। धन्यवाद। तो आपने सुना, आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उसको लेकर मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे कि देर आई आने में आपको, लेकिन शुक्र है आप तो आ रहे हैं बिहार में। कई सवाल के लिस्ट थे उनके पास कि नौजवानों का रोजगार क्या होगा। इस पे बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार जी ने भी बहुत सारे बातें कही कि हम सरकारी रोजगार की बात तो नहीं कर रहे थे, हम रोजगार की बात कर रहे थे, तो रोजगार हम लोग दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सामने यह भी खुल के आया है, जो ये लिस्ट लेकर बैठे हुए थे कि प्रधानमंत्री से हम लोग ये मांग करेंगे, वो मांग करेंगे, साफ पता चल गया कि प्रधानमंत्री के पास टाइम ही नहीं है इनसे बात करने के लिए, यानी कि इनको उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो इस तरह के सवाल उनके पास खड़े कर सके। और झट अपने हाथ झाड़ कर निकल रहे हैं कि हम लोग तो दिल्ली तक पहुँचे हैं, हम लोग दिल्ली भी जाके बात कर सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या बातें ही हैं इन लोगों का कि वाकई में नौजवानों के बारे में आरजेडी भी सोचती है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।